क्या ईशान किशन की फाइनली इंडियन टीम में वापसी की बातें अब हम शुरू कर सकते हैं? क्या ईशान किशन एक बार फिर टीम इंडिया में खेलते नजर आ सकते हैं? वेल, अनडाउटेडली ईशान किशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन इंडियन स्क्वाड में, जो जितना हमारा डोमेस्टिक सर्किट है। लेकिन ईशान किशन पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। आखिरी बार मैच जो था वो वर्ल्ड कप 2023 के ठीक बाद जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली हुई थी उसमें उन्होंने खेला था, और उसके बाद से उनका बुरा समय शुरू हुआ। ईशान किशन ने अपनी मर्जी से टीम इंडिया को छोड़ा, लेकिन फिर उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया गया। खबर आई कि ईशान किशन के बिहेवियर से परेशान होकर बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, फिर ईशान किशन को सब भूल गए। लेकिन अब ईशान किशन को मौका दिया गया है कमबैक करने का। ईशान किशन का सिलेक्शन दुलीप ट्रॉफी में किया गया है, और दुलीप ट्रॉफी में ईशान किशन अगर परफॉर्म करते हैं तो टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं, क्योंकि आखिरी बार जब टेस्ट सीरीज हुई थी तो वहां पर ईशान किशन खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज भी वो गए थे, कई और जगह पर वो गए, 50 मारा, उन्हें ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा गया था। ईशान किशन क्या वापसी कर पाएंगे ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, लेकिन बीसीसीआई जो उन्हें अलग थलग कर रही थी अब उन्हें वापस जिम्मेदारियां देने पे आ गई है। ईशान किशन को एक तरफ झारखंड क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है, डोमेस्टिक सर्किट के जरिए इंडिया में कमबैक की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दुलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की टीम में उन्हें रखा गया है। श्रेयस अय्यर की टीम में विकेटकीपर के तौर पर इनका नाम आया है। दरअसल दुलीप ट्रॉफी से आने वाले समय में आपके टेस्ट मैचेस के लिए टीम चुनी जाएगी, जिसमें कई सारे प्लेयर जो हैं उनको मौका मिल सकता है यहां से परफॉर्मेंस के आधार पर। इंडिया का बांग्लादेश का दौरा है, इंडिया का न्यूजीलैंड का दौरा है, इंडिया का उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फिर इंडिया का इंग्लैंड का दौरा है, और इन सारे दौरों के बीच में अलग अलग टीम जो है वो रखी जा रही है। कई सारे विकेटकीपर है जिन्हें मौका दिया गया है। ईशान किशन की किस्मत अच्छी है कि संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया गया जो विकेटकीपर है, लेकिन ईशान को मौका दिया गया है, तो बीसीसीआई उन पर मेहरबान तो हुई है, क्योंकि संजू को इग्नोर किया गया, जितेश शर्मा को इग्नोर किया गया। हालांकि कई विकेटकीपर हैं जो इस दावेदारी में अपना नाम रखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे ध्रुव जुरेल और केएल राहुल शुभमन गिल की टीम में विकेटकीपर के तौर पर है। अगर आप बात करेंगे टीम बी की तो वहां पर आपको जगदीशन जो है वो विकेटकीपर के तौर पर नजर आएंगे, पोरेल जो है वो विकेटकीपर के तौर पर नजर आएंगे, इसके बाद आर्यन जुयाल जो हैं वो और अभिषेक पुराल वो सी टीम में नजर आ रहे हैं ऋतुराज के साथ, और ईशान किशन को मौका दिया गया है केएस भरत के साथ श्रेयस अय्यर की टीम में। अब दो विकेटकीपर कम से कम चुना जाएगा, हालांकि पहली चॉइस ऑफ विकेटकीपिंग जो है अगर आप पूछेंगे तो वो लगता है कि शायद केएल राहुल और ऋषभ पंत को दी जाएगी, लेकिन अगर ईशान टेस्ट सीरीज से पहले इस दलीप ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर देते हैं और शतक दोहरा शतक कुछ मार देते हैं तो फिर यहां से उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। वो बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, उनकी बल्लेबाजी की आक्रामकता गौतम गंभीर को पसंद आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ईशान की बल्ले बल्ले हो सकती है। ईशान के साथ और भी कई खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में हाथ पांव आजमा रहे हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव कोशिश कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, और भी कई सारे टूर्नामेंट जहां पर जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ईशान किशन का झारखंड जाकर लीड करना, दूसरी तरफ दलीप ट्रॉफी में उनकी एंट्री हो जाना, फिर ईशान किशन का कप्तान बना दिया ना बूची बाबू टूर्नामेंट में, ये सारे संकेत हैं कि अब बारी ईशान किशन के ऊपर है। ईशान किशन की एबिलिटीज को लेकर कभी सवाल नहीं था, सवाल यह था कि क्या उनके एटीट्यूड और बीसीसीआई के साथ जो मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं वो बेहतर हो पाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो बेहतर हो सकते हैं और ईशान किशन की वापसी हो सकती है।